हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो ये तिब्बत को लेकर न्यूज है। समझिए, तिब्बत और यूएस और देखेंगे चाइना यहाँ पे इन्वॉल्व है, और भारत भी इसमें देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे भूमिका निभा रहा है। भारत की मतलब रिलेटेड ये आर्टिकल है कि इंडिया की जो है ये फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चेंज होते यहाँ पर दिख रही है, जो कि हम तिब्बत को चाइना की वन पॉलिसी के तहत चाइना को हम चाइना का हिस्सा मानते थे, लेकिन अब देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे चेंजेस आते दिख रहे हैं। तो इसमें ये भी बात की गई है कि चेंज क्यों आ रहे हैं, और अभी जो अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आए थे संसद में, देखेंगे धर्मशाला में जाके वहाँ पे दलाई लामा हैं उनसे मुलाकात करते हैं, तब से चीन से भी तनाव बढ़ गया है। और धर्मशाला जो है हमारे इलाके में है, भारत में है, लद्दाख में, तो इसके वजह से वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भारत से मतलब अब चीन की प्रतिक्रिया इसमें आई है, और भारत ने भी अभी क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अभी मिले थे जो अमेरिकी प्रतिनिधि थे उनसे मिलते हैं, तो यहाँ पे एक वीडियो भी पोस्ट करते हैं, जैसे ट्विटर पे मिलने का वीडियो पोस्ट करते हैं जितने भी अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आए थे संसद के, तो इनसे मिल के अभी वो समझिए ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं, तब से देखेंगे ये मुद्दा पूरी तरह से गर्म हो गया है कि इंडिया पूरे पूरी साथ दे रहा है। अब देखिए, बिना साथ दिए तो यहाँ पे अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आता नहीं है, यहाँ के फिर मुलाकात नहीं कर पाता और सभी चीज़ें नहीं कर पाता। यहाँ पे यूएस ने एक बिल भी पास किया है जिसमें बताया गया है कि तिब्बत के लोग के जो धार्मिक जो होते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये भी वहाँ पे बाधित किया जा रहा है, सभी चीज़ें बाधित की जा रही हैं। इसको लेके एक बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि पास भी हो गया है। अब वो जो बाइडेन के पास जाएगा, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास जाएगा, वो सिग्नेचर करते हैं तो वो लॉ बन जाएगा। लॉ बनेगा तो फिर वहाँ पर अब चाइना इसमें कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है इसमें छेड़खानी कर रहा है यूएस, तो ये सब देखेंगे तो मुद्दे पर पूरी बात की गई है। अभी देखेंगे नैन्सी पोलोसी ही जो है ये एक बार और आई थी, अब देखेंगे ताइवान में आई थी, ताइवान में माना भी चाइना ने माना किया था कि अगर ताइवान में आती है नैन्सी पोलोसी तो इनके प्लेन को शूट डाउन कर दिया जाएगा, फिर यूएस वहाँ पे अपना सातवां जंगी बेड़ा भेजता है। अब ये चाइना का क्या है, चाइना बस कहता है, करता कुछ नहीं है, वहाँ पे आपने देखा कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। नैन्सी पोलोसी आती भी हैं ताइवान में आके फिर वहाँ पर रुकती भी हैं, जो भी उनका काम था वो करती भी हैं। और अब चीन वहाँ पे करता क्या, चीन ने यहाँ पे बोलने को तो बोल दिया कि हम प्लेन को शूट डाउन कर देंगे, लेकिन शूट डाउन वो कर नहीं सकता, तो अब जनता को वहाँ पे मैनिपुलेट भी तो करना है, जितनी भी चीनी जनता है तो उनको मैनिपुलेट करने के लिए आप देखेंगे ताइवान में हवा में मिसाइल दागा गया था बहुत चाइना द्वारा, जो कि ताइवान के आसपास वाले इलाकों में गिरता है, वहाँ पर जाके गिरता है, लेकिन एक भी ताइवान पर नहीं गिरता है। तो अब ये अपना जो समझिए कि लाज जैसे पचाना होता है उस तरह का यहाँ पर ये काम करता है, तो वैसे ही अभी फिर देखेंगे अमेरिकी सांसद जो हैं वो आए थे और मिलते हैं दलाई लामा से, धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात करते हैं, और इस मुलाकात को लेके जो चीन है फिर से चेतावनी दिया है, जैसे उस टाइम मैंने बताया था चेतावनी दिया था, लेकिन ये डायरेक्टली अमेरिका को कुछ नहीं कर सकता है। और अभी अब देखेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनके साथ एक तस्वीर अभी ट्वीट करते हैं, जो कि यही सांसद लोग हैं जो कि दलाई लामा से मिलते हैं, इनसे जो मोदी जी हैं ये भी मिलते हैं और ये ट्विटर पे पोस्ट भी करते हैं, तब से और मामला पूरी तरह से देखेंगे सोशल मीडिया पे ये पूरा वायरल होता है, और वायरल होकर पूरी तरह से देखेंगे तनाव और ज़्यादा बढ़ने का यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब चाइना भी कुछ ऐसा कदम ले सकता है भारत के लिए तनाव के बीच अपनी चीन नीति। तो चीन नीति के तहत देखेंगे हमारा वन जो चाइना पॉलिसी है उसके तहत हम ताइवान को भी उसी का हिस्सा मानते हैं, फिर आप देखेंगे तो तिब्बत को भी उसी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे 20 सैनिक भी शहीद हुए थे, और वो तो अपने 4 सैनिक को शहीदी को बताता है लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा सैनिक मरे थे, 35-40 यहाँ पे बताया गया था कि उसके सैनिक मरे थे, और ये हुआ था तब से हम देखेंगे 2020 से हमारा सीमा विवाद मतलब सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ ज़मीन जो है वहाँ से वो हट नहीं रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे अब वन चाइना जो पॉलिसी थी उसमें चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अब हम, और ये बिल्कुल सही भी है, आप देखेंगे तो चेंज होना चाहिए। चाइना ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो करते रहेगा और हम उसके वन चाइना पॉलिसी को मानते रहेंगे, हमारे लद्दाख एरिया को कैप्चर करते रहेगा और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते रहेगा। अब हमें बिल्कुल खुल के बताना चाहिए कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिस पे चाइना ने कब्जा करके रखा है, ये बिल्कुल बताना चाहिए, और इसके लिए हमें सपोर्ट भी करना चाहिए जो तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत के लोगों को। तो ये यहाँ पे बिल्कुल खुल के पॉलिसी में चेंज बहुत ज़रूरी है, जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक उसके जो सर पे समझिए भूत चढ़ा हुआ है कि नाम बदल दो, यहाँ पे ये कर दो वो कर दो। अब यहाँ पे ये खतरा है कि इंडिया सोचता है कि यहाँ पे खतरा ज़्यादा मतलब कि तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है,
और अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो चाइना ने क्या बोला था कि हमारे रिलेशन सही हो जाने चाहिए सभी क्षेत्र में, रिलेशन मतलब जो बॉर्डर एरिया है उसके छोड़ के सभी एरिया में रिलेशन सही कर लो, बॉर्डर एरिया में नहीं करो। तो वही है कि मतलब जो हमारे लिए सूटेबल है वो कर दो, जैसे कि ट्रेड करो हमसे, ट्रेड में जितने भी बैरियर हैं उनको हटाओ, लेकिन बॉर्डर पे जो हमने कब्जा करके रखा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इन सब को लेके भारत ने भी बोल दिया था कि जब तक बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं होता तब तक रिलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे। तो ये भी इसमें आप देख सकते हैं। और आगे इसमें आप देखेंगे तो चीन पे दबाव बनाने के लिए भारत तैयार है, ये बताया गया है। जैसे 2020 मैंने बताया कि गलवान वैली इंसिडेंट होता है, वहाँ पे हमारे 20 जो भारतीय सैनिक हैं वो शहीद होते हैं, और लंबे समय तक जो सैनिक गतिरोध बना हुआ है जिसके वजह से ये पूरी तरह से हुई थी घटना। और इस घटना को लेके अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है कि आखिर में ये हुआ क्यों था, गलवान वैली इंसिडेंट चाइना करता क्यों है। तो इसके पीछे एक रीज़न तो ये भी बताया जाता है कि जो अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकियाँ हैं जिसके वजह से ये गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, ये चाइना यहाँ पर मैसेज देना चाह रहा था कि तुम ज़्यादा करीब जाओगे तो ये तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब समझिए कि उस टाइम हमारे सैनिक तैयार नहीं थे, अगर हमें इन सब चीज़ों का पहले से पता होता तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है और अब हमें इनको धीरे धीरे दिखाना भी पड़ेगा। हम थोड़ा रुके हुए थे कि जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप होते चली जाए और हम भी अच्छा खासा एक जीडीपी में उसके आसपास तो कम से कम पहुंच जाएं, आसपास पहुंच जाएं। और समझिए जब जीडीपी बढ़ता है तो रक्षा डिफेंस जो बजट है वो भी बढ़ ही जाएगा, और डिफेंस हमारा बजट जैसे बढ़ता है तो फिर इनके लिए एक बड़ी हम चुनौती खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है आप देखेंगे जो जो भी चाइना से लगता है, तो चाइना से लगता है तो बिल्कुल वो झुकाव हमारी तरफ है, हम ज़्यादा देखेंगे एज लेते हुए वहाँ पे दिखेंगे। अगर युद्ध होती है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया भी है कि अगर चाइना से समझिए कि आमने सामने की टक्कर होती है तो क्या हो सकता है, वो वीडियो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये देखेंगे। और दिल्ली के साथ संबंधित सीमा विवाद जो मैंने अभी बताया कि सीमा विवाद तो रहने दो, बाकी जो ट्रेड है ये सब सुलझा लो, ये बोला था वहाँ पे। और 2003 में हम देखेंगे कि तिब्बत को चाइना का ही हिस्सा मानते हैं, तो वो तिब्बत को जो चाइना का हिस्सा हम मानना शुरू करते हैं। तो 2003 में देखेंगे ये पॉलिसी चेंज यहाँ पे आपको देखते हुए, मतलब पॉलिसी क्या, वहाँ से हमारे रिलेशन मतलब सुधरना शुरू होते हैं। जैसे राजीव गांधी जाते हैं उसके पहले ही बहुत रिलेशन सुधरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 2003 में हम देखेंगे तिब्बत को उसका हिस्सा मान लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। हमें तिब्बत को कभी भी उसका हिस्सा नहीं मानना चाहिए था। अब हम रिलेशन अच्छा करना चाहते थे किसी भी देश से, जो पड़ोसी देश हैं उनसे हम रिलेशन अच्छा करना चाहते थे, लेकिन चाइना कभी भी देखेंगे तो किसी भी पड़ोसी से अपना रिलेशन अच्छा नहीं करना चाहता, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम रिलेशन अच्छा करना चाहते थे लेकिन रिलेशन सुधर नहीं रहे हैं, तो अब सुधर नहीं रहे हैं तो अब हमें भी अपनी पॉलिसी में चेंज करना होगा। तो ये पॉलिसी चेंज होते अब देखेंगे, अब हम धीरे धीरे तिब्बत को बताएँगे कि तिब्बत उसका इलाका नहीं है, वो कब्जा करके बैठा है, तब उसकी भी देखेंगे जो है वो बैकफुट पर आएगा, और बैकफुट पर आएगा तभी जाके सीमा विवाद सुलझ सकते हैं, क्योंकि उसको तो कहीं पे दिक्कत है ही नहीं। समझिए आप तिब्बत को उसका हिस्सा मान ही रहे हैं, ताइवान को उसका हिस्सा मान ही रहे हैं, वो बॉर्डर पे जो चाह रहा है वो कर ही रहा है, तो अब डर के रहने से नहीं होगा, यूएस के बिल्कुल साथ में आना पड़ेगा। यूएस और उसका जो कोल्ड वॉर का एरा अभी चल रहा है उसमें हमें यूएस के तरफ आना होगा। अब हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाते हैं लेकिन हमें यूएस का सपोर्ट चाहिए, यूएस के सपोर्ट से हम बहुत अच्छा यहाँ पे इसको मैसेज दे सकते हैं। चाहे कभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट एकदम देखिए बिल्कुल फिक्स है कि चाइना के साथ कभी ना कभी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, या तो तिब्बत को लेकर, समझिए तिब्बत जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है हमारा उसको अपना इलाका बताता है, ये कुछ कर भी सकता है धीरे धीरे, फिर लद्दाख वाला इलाका है, इन सबको लेके एक बार कॉन्फ्लिक्ट पक्की है बिल्कुल, तो ये सब होगी। और नहीं तो इंडिया जो है ये एक इकोनॉमिक सुपर पावर उसके पास में आ जाएगा, तब जाके देखेंगे जब दो मित्र के शक्ति का पता चलता है कि दोनों बराबर हैं तभी वहाँ पे समझौता होता है। जब तक कमज़ोर आप रहिएगा तब तक समझौता नहीं होगा। तो चाइना से समझौता भी अगर होना है तो अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर मिलिट्री हम बढ़ा लेते हैं, सभी स्ट्रेंथ में आगे चले जाते हैं, तब आप जाके देखेंगे कि चाइना से तभी जाके कोई एग्रीमेंट एक बॉर्डर पे हो सकता है, लेकिन अभी वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। और यही सब बताई गई है अमेरिका को लेके जो चेतावनी यहाँ पे देते हैं, और लद्दाख के पीछे जो वास्तविक मतलब वास्तव में क्या हुआ था इसकी कोई नहीं जानता है, लेकिन एक वजह ये बताई गई थी अमेरिका के साथ बढ़ती नज़दीकियों के कारण यहाँ पे जो चीन था वो मैसेज देना चाहता था कि अगर तुम यूएस के मतलब नज़दीक जाओगे तो मतलब रिलेशन हमारे अच्छे नहीं हो सकते हैं, इसको लेके मैसेज देने के लिए ऐसा बोला जाता है कि गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।